अजमल कसाब का पता इंडिया को इन्होंने दिया इन्होंने इंडिया को पता बताया कि अजमल कसाब जो है उन्होंने जो फरीदकोट का एड्रेस है वो नवाज शरीफ ने दिया अगर ये बात गलत साबित हो तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आज आपके लिए एक जबरदस्त वीडियो लेके आए जिसमें आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपके लिए और भी मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहे तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ अच्छा मुख्तर तरीन स्पीकर होता हूँ जब आप मौजूद होते हैं वरना मैं सबसे लंबा स्पीकर हूँ ई पासपोर्ट का आपकी हिदायत पर इजरा हुआ है एक सौ इक्यानवे मुल्कों में आपकी हतायत पर ऑनलाइन वीज़ा किया है कोई वीज़ा पेंडिंग नहीं है इसका क्रेडिट इमरान ख़ान को जाता है तमाम करप्शन ख़त्म किया और सबसे बड़ी बात वरासत का सर्टिफिकेट का आपको क्रेडिट जाता है कि ये जो रोज़ अदालतों में झगड़े होते थे नादरा ने इसमें काम किया और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने इसका अजरा किया 88 हमने आपकी क्यादत में नए नादरा सेंटर खोले हैं और इसके अलावा हमने ड्रोन सर्विस शुरू की है और हमने बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटियों को इस्लामाबाद में इस महीने में रोका है इन ड्रोन्स के ज़रिए भी हमें बड़ी मदद मिली है प्राइम मिनिस्टर साहब आपकी हिदायत में 24 घंटे में पासपोर्ट का अजरा शुरू किया है गरीब लोग धक्के खाते थे मैंने आपकी हिदायत पर पांच साल का पासपोर्ट दस साल का किया उन्हीं पैसों में <प्थाथा> क्योंकि वजीर साहब मज़दूर जाता है बेचारा उसको पता ही नहीं लगता मेहनत में पांच साल पूरे हो जाते हैं वो फिर इधर आता है फिर ये सारी फैमिली को यहाँ ख्वार होना पड़ता है सो तो मैंने कहा कि इस मुसीबत से जान छुड़ाओ सो उसको पांच साल का उसी पैसों पे दस साल का कर दिया ताकि दस साल तक मजदूर तसली से दुबई में सऊदी अरब जहाँ बैठना पड़े चाहे वो जदीद तरीन फ्रेंसिक लैब बन रही है इन शाह तल्ला को मंजूर हुआ हमारा ख्याल था कि इन्हीं एक दो दिनों में तमाम तहसील हेडकोटरों में नादरा सेंटर खोल दिए बलूचिस्तान और फाटा में प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ा मसला था वहाँ मैंने लोकली तमाम लेडीज़ को कहा कि अपॉइंट किया जाए तमाम लेडीज़ को कंट्रोल दे दिया है ताकि वह बेचारी पर्दा दार हैं सो वो खुद ही अपना शिनाख्ती कार्ड बनाएं खुद ही वैन सारी गाड़ियाँ दे दी हैं उनको ताकि गाड़ियाँ जो हैं उनको वो नादरा के सर्टिफिकेट दे दिए जाएँ 300 पार्कों को आप पार्क के बड़े आप ग्रीनरी के आपकी हिदायत हैं सो इस्लामाबाद में ये मेरे अरसे के दौरान साल सवा साल में 300 सौ पार्क सारे हमने नए बनाए हैं उसको रेनोवेट किया है इस्लामाबाद में खातान के बाज़ार लगा रहे हैं खुवान को एमपावर कर रहे हैं और मैंने सी डी ए को कहा कि उनसे कम से कम पैसे लिए जाएं दस रमज़ान पार्क सॉरी रमज़ान बाजार जो है जी गरीब लोगों के लिए और मैं खुद इसको विजिट करूंगा इन शाह और आप इन मुकद्दर के सिकंदर हैं खान साहब और ये छोटे छोटे बिकने वाले लोग सियासी कीड़े मकौड़े गंदी नालियों की ईटी जो पैसे लेके अपने जमीर को बेचती हैं और पाकिस्तान जैसे ताजमहल को दागदार करती हैं ये इनशाला तला इनकी सोच जो मर्जी हो की वोट और अवाम की सोच आपके साथ है वज़ी आजम साहब इन्होंने सद्दाम का माल खाया इन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब कजाफी का माल खाया मैं जाता रहा डील कराने के लिए कजाफी के साथ मैं जाता रहा प्राइम मिनिस्टर साहब और आपने मुझे मशावरत में नहीं रखा दो चार थैले मुझे भी ट्रक दे देते दे पैसों के तो ये बात ही यहाँ तक न पहुँचती ये बात ही ख़त्म हो जाती माल इनकी कमज़ोरी है दे आर नाट वर्ट दे आर ये जो हैं ये देखें ये शरीफ ख़ानदान मेमू गेट में काला कोट लगा के पेश हो गया आसफ़ जरदारी के ख़िलाफ़ जब वो आया तो ख़ुद ही पेश हो गया पता नहीं ला किया भी हुआ कि नहीं किया हुआ सारी उम्र नकल मारने वाले ये लोग हैं उसामा बिन लादन का माल इन्होंने खाया प्राइम मिनिस्टर साहब उसामा बिन लादन को भी इन्होंने माफ़ नहीं किया जो पिछली दफ़ा गए उस सारी हकीकत से भागे वो मैं वाकिफ़ हूं किस तरह किंग अब्दुल्ला के ज़रिए इन्होंने प्रेशर डाला फ़ौज पे और फौज को मजबूर किया हालांकि फ़ौज नहीं चाहती थी कि ये सऊदी अरब जाएं। फिर यही ड्रामा सेहत का हुआ अटक में ये बीमार हो गए और आर्मी के मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट दी कि इनका जनाब अली इनकी सेहत बड़ी नातवाएँ और इनका बाहर जाना जो है इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें डॉन लीग तो कल की बात है जी मेरे सामने की बात है <ड़ा> इनका ट्रैक रिकॉर्ड यह है कि यह गेट नंबर चार की जीएचक्यू की पैदावार है और फौजी गमलों से निकल के जवान हुए और गुल हमीद इनका पॉलिटिकल एडवाइजर था अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे और यही बलावल है जो इसके खिलाफ नारे लगाता था कि यह मोदी का यार है और किसने कराया था मिसा के जमहूरियत जब बेनज़ीर को और नवाज शरीफ को इकट्ठा बैठाया गया किसने कराया था सारी दुनिया को मालूम है कि ये सारा कुछ और मैं एक सियासी वर्कर हूँ आपका भी वर्कर हूँ इन अब ज़्यादा अच्छा वर्कर होगा इकतदार में तो सारे ही वर्कर हो जाते हैं जी और ये मुझे आपने पंद्रहवीं वजारत दी है आप यकीन जाने मेरी पूरी कोशिश रही है कि यहाँ आम आदमी को सहूलत मिले सो आपकी हदायत पर एक एक वीज़े पे डेढ़ ला, डेढ़ डे लाख रुपये और सत्तर सत्तर हज़ार करप्शन थी आप घर से बैठ के देख सकते हैं कि आपका सारी करप्शन को लाइसेंस के जरा में अभी वो फाइल गई हुई है उसको भी हमने बिल्कुल नीट एंड में बनाया है और लास्टली क्योंकि मैं बहुत सारी तहरीकों से वाकिफ हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब उन्नीस सौ में जब हल का इंतबी निशान था मैं कैद हो गया कड़िया वाला में तो मैं सबसे मकबूल स्पीकर था मेरे बगैर कोई जलसा नहीं कर सकता पहली दफ़ा मैंने प्राइवेट प्लेन देखा ये एम एन ए मुझे ज़बरदस्ती ले जाते थे बिठा के मुझे चार पाँच जगह से सूबों में खड़ा किया गया वो कहते थे हमें शेख रशीद चाहिए हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते हल्के निशान पर हमें नीचे शेख रशीद चाहिए सो मैं दो हल्कों की सियासत करने वाला सियासी वर्कर हूँ अजमल कसाब का पता इंडिया को इन्होंने दिया इन्होंने इंडिया को पता बताया कि अजमल कसाब जो है उन्होंने जो फरीद कोर्ट का एड्रेस है वो नवाज शरीफ ने दिया अगर ये बात गलत साबित हो तो जो चोर की सजा वो मेरी सज़ा है प्राइम मिनिस्टर साहब डटे रहना मैं तो आपको बहुत अर्ज करता रहता हूँ मैं अपनी गुजारिशात तो आपकी मेहरबानी है वाकई मैं एक सारा आसफ़ जरदारी भी रात को कह रहा था कि मैं एक वाकई मैं इमरान खान साहब एक सीट का लीडर हूं सारी जिंदगी मैंने ये दो और एक सीट की सियासत की है लेकिन मुझे फखर है कि मैंने इमरान खान के साथ सियासत की है और कौम के एक जो अल्लाह ने इस वक्त आपको मकबूलियत दी है ये इलेक्शन के वक्त भी आपके हालात ऐसे नहीं थे ये सब चल के आएंगे वापस आपके पास पर इनको ठुडा मारना आप माफ कर देते हैं माफ करने की कोई गुंजाइश नहीं है ये सारे लोग थोड़े अरसे की बात है थोड़े अरसे की बात है मैं तो पहले आपसे कहता था इसम्बलियां कैं कर दें इलेक्शन में जाए मैं आपसे अर्ज़ करता था कि यहाँ लगाएं गवर्नर राज मैं आपसे अर्ज करता था एमरज लेकिन आपको पीटीआई से मेरा कोई तलक नहीं इमरान खान साहब मेरा तलक आपकी जात से है जीते और मरते तक मैं आपके साथ पैरा दूंगा सियासत में करता हूँ नहीं करता लेकिन इमरान खान के साथ मैं चटान की तरह के साथ खड़ा हूँ और गुजारिश एक करनी है कि हमारे एफ आई ए और दूसरी पुलिस वालों की बहुत तनख्वाहें हैं इस्लामाबाद की पुलिस में हम बजट में इजाफे की दरख्वास्त भेज रहे हैं अल्लाह आपको फतेह दे तो इस्लामाबाद की पुलिस की तनख्वाह बनानी है और मैंने लास्ट प्राइम मिनिस्टर साहब कभी कभी को पाँच रुपये भी नहीं खर्च किए